PostgreSQL फिल्टर डेटा, ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज, जैसे कि हम रन करते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, इसी तरीके से क्यूरीज रन होती हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। उसके लिए कुछ कमांड्स यूज होती हैं जो कि डिफरेंट वे में यूज होती हैं। पहले हम पीजी एडमिन यूज कर रहे थे, अब मैं आपको एक और आईडी जो है ना यूज करने जा रहा हूँ, db7। ये एक ओपन सोर्स टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं MySQL के लिए भी, PostgreSQL के लिए भी। इसे आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये जिस तरह मेरी स्क्रीन पे आप इंटरफेस देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैंने MySQL भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ आप अपना जो है ना सेकंड PostgreSQL कनेक्शन भी जो है ना वो बना सकते हैं, अपना सर्वर PostgreSQL का जो सर्वर आपने बैकएंड पे रन किया हुआ है। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, इसमें NoSQL भी आ जाती है, SQL भी आ जाती है, यहाँ पे ऑल है। तो SQL के ऊपर अगर आप क्लिक कर लें, नेक्स्ट, कुछ उसने उसके ड्राइवर्स की डिटेल मांगी, वो हमने डाउनलोड कर लिए रन टाइम पे। उसके बाद ये डिफॉल्ट पोर्ट जिसके ऊपर ये ऑलरेडी रनिंग में होगा आपका सर्वर, ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर का नाम है, डेटाबेस ये बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस ही है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड जो है ना इसका जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा होगा वो आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, या स्पेसिफिक यूजर नेम को पासवर्ड प्रोवाइड करें। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करें, ये देखें ये भी फिलहाल जो है ना कनेक्टेड मीन कि इसने सर्वर डिटेक्ट भी किया और कनेक्ट भी कर दिया। ओके करें, इस कनेक्शन को आप यहाँ पे फिनिश कर लें। ये आपका PostgreSQL का जो है ना एक कनेक्शन भी बना दिया, डेटाबेस कनेक्शन भी बना दिया, इसे आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप इसे एडिट करके इसके कनेक्शन को यहाँ पर आप कोई भी डेटाबेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं डीवीडी रेंटल एक और डेटाबेस है, सैंपल डेटाबेस मैंने वो प्रोवाइड की है। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करें तो ये आपको कनेक्शन बता देगा कि ये सक्सेसफुल हुआ है उस डेटाबेस के साथ, नहीं हुआ तो सक्सेसफुल है तो इसे आप ओके कर लें। यस, ठीक है, अब हमारे पास ये डेटाबेस आ गए इसकी मास के अंदर, पब्लिक के अंदर इसके टेबल्स आ गए। व्यू डेटाबेस टूल्स, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस इसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्यू डेटाबेस पे क्लिक कर लें, एसक्यूएल एडिटर, एसक्यूएल एडिटर, ये इसका एसक्यूएल एडिटर है। यहां पर आप किसी भी टेबल को क्वेरी करें, सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, ये साथ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, एक्टर, ये एक्टर टेबल है। इसके बाद इसे आप यहाँ पे रन करें, जैसे मैंने रन किया ये नीचे रिजल्ट्स आ गए। फिल्टर से मुराद ये होता है कि इसमें मैं एक कंडीशन ऐड करूं, वेयर एक्टर आईडी इक्वल 3, स्पेसिफिक जो है ना आईडी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए ये मैंने एक फिल्टर प्रोवाइड किया, उसने उस फिल्टर के अगेंस्ट जो है ना मुझे नीचे डाटा आउटपुट दे दी।